डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल ईयर सीएस में। सब्जेक्ट कोड है सीएस 310 और सब्जेक्ट का नाम है पीएचपी एंड माई एसक्यूएल। इसमें हम आज पहली यूनिट का पहला टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसका नाम है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट्स। पिछली कक्षा में आपने इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज में जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज आते हैं, उनको थोड़ा समराइज आप करें करके और इसको आप शुरू कर सकते हैं। तो हम स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट से टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि वेबसाइट क्या है। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस का कलेक्शन है। जैसे आपने एक वेबसाइट है गूगल या फेसबुक, या आप कोई भी वेबसाइट का आप लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी की, हमारे डिपार्टमेंट की, या कोई भी आप वेबसाइट को देखते हैं, तो वो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ पेजेस है। जो भी रिक्वेस्ट आप भेजते हैं, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो पेज आपके ब्राउज़र पे, सर्वर उस पेज को भेजता है और ब्राउज़र पे वो आपकी डिस्प्ले होती है। अब वेब पेजेस क्या है? वेब पेजेस इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन कि आपको क्या डिस्प्ले होना है, आपके ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले होगा, उसकी इंफॉर्मेशन वेब पेजेस में होती है। और वो वेब पेजेस किस में बने होते हैं? अगर सिंपलेस्ट वेब पेज की बात करें तो वो HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, सिंपल पेज आप बना सकते हो। और HTML के साथ CSS का यूज़ भी कर सकते हो। कुछ डायनेमिक HTML लेके आप स्क्रॉलिंग है, स्क्रीन की स्क्रॉलिंग है, या इस टाइप की इसमें इफेक्ट डाल सकते हो। तो सिंपलेस्ट पेजेस होते हैं, जिनको हम स्टैटिक पेजेस भी कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन बदलती नहीं है। ये हम आगे आ जाके स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स में पढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, अब मान लीजिए कि ये क्या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या, सपोज कीजिए कि ये सर्वर आपका, इस सर्वर पे एक वेबसाइट है XYZ, एक साइट है ABC, एक साइट है PQR। तो इस वेबसाइट का जो स्पेस अलोकेट है, या उसने स्पेस ले रखा है जितनी भी साइज़ का, उस साइज़ में पेजेस होंगे, वेब पेजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेजेस होंगे। और ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को सपोज कीजिए हम भी लिखते हैं www.xyz.com। तो ये वेबसाइट है, ये इन वेब पेजेस का कलेक्शन है। ये सर्वर है, ये सर्वर आपका नेट से जुड़ा हुआ है, और नेट के अंदर राउटर, स्विचेस, टेलीफोन लाइंस, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा से कनेक्ट होता है। ऐसे बहुत से सर्वर होते हैं, एक सर्वर नहीं है, बहुत से सर्वर हैं, और एक साइट के कुछ पार्ट्स में भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो पार्ट्स में भी कलेक्टेड होती है, इंफॉर्मेशन आपको एक साथ में प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ नेट के बाद में आपके पास में आता है क्लाइंट, और ये है सर्वर। तो क्लाइंट पे जो चलता है प्रोग्राम, जिसको हम वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र HTML, CSS, PHP, JavaScript etc. को रन करता है। तो जो इंफॉर्मेशन इस नेट के थ्रू इस क्लाइंट पे आती है, वो आपको डिस्प्ले होती है। वो इंफॉर्मेशन एक पेज के रूप में आती है, जिसको वेब पेज कहते हैं। जिस पे आप क्लिक करते हो, दूसरा पेज या नेक्स्ट पेज या प्रीवियस पेज जो भी आता है, तो वो पेज इस वेबसाइट से या इस वेबसाइट से या इस वेबसाइट से आपके पास आता है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट कहलाते हैं। अब हम बात करें सिंपल सी कि जब आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर उसको रेस्पॉन्स देता है। रेस्पॉन्स में उसका होम पेज आपको क्लाइंट पे, यानी वेब ब्राउजर यहाँ पे है, उसको दिखाई देता है। ये रिक्वेस्ट कहाँ से होके जाती है? थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क में चैनल्स हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फाइबर ऑप्टिकल लाइंस हैं,
माइक्रोवेव लाइन्स हैं, टेलीफोन लाइन्स हैं, इस टाइप से बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग इसमें नेटवर्क में किया जाता है। तो यहाँ ये वेबसाइट आपको मैंने बता दी, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज है। अब वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के कितने टाइप के होते हैं हम अगर देखें तो वेबसाइट से जो टाइप है वो हम दो टाइप की वेबसाइट्स को यहाँ लेते हैं। क्यों लेते हैं वो भी हम जान बताऊँगा आपको, टाइप्स ऑफ वेब साइट्स। यहाँ दो टाइप मिलेंगे आपको, पहली है स्टैटिक वेबसाइट एंड दूसरी है डायनेमिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब है कि फिक्स्ड डिस्प्ले होता है, कंटेंट वही रहता है और जो एक बार लिख दिया जाता है, यानी जो वेब पेज आपने बना दिया वो वेब पेज की इंफॉर्मेशन आपको हमेशा डिस्प्ले होती है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अगर कोई ओनर वेबसाइट का ओनर उस वेबसाइट में चेंज करके उस वेब पेज को वापस अपलोड कर दे, उस पर होस्ट कर दे, तो वो उसको आपको दिखा दे। यहाँ डायनेमिक वेबसाइट की बात करें और ये सिंपली HTML का यूज़ करते हैं, सिंपली HTML का। और डायनेमिक वेबसाइट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन आपको चेंज होती हुई शो होती है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग वो चेंज हो जाए। ये आपका इजी है क्रिएशन में और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है डिज़ाइन में, इसमें सिंपलेस्ट आपको यूज कर सकते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स को हम टॉपिक टू टॉपिक लेते हैं कि फिक्स नंबर ऑफ पेजेस स्पेसिफिक लाइफ और इसका फिक्स नंबर ऑफ पेजेस, यानी कुछ फिक्स साइज फिक्स पेजेस होते हैं 5, 7, 2, 4, 10, 20 वो होते हैं और स्पेसिफिक लेआउट होता है। स्पेसिफिक लेआउट जो आप दिखने में आपको लगता है कि आपको दिख रहा है वो, बस वो चेंजेस नहीं होता उसमें, वो स्पेसिफिक वेबसाइट होता है। और जब ये रन होता है ब्राउजर पे तो कंटेंट्स जो स्टैटिक है और जो चेंज नहीं होते हैं और रिस्पॉन्स में भी आपको जल्दी आपको प्रोवाइड होता है। और उसके बाद इसको यूज करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब ये क्यों, यहाँ पे क्या है कि हम ना तो किसी डेटाबेस का यूज कर रहे हैं ना किसी और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम किसी इस टाइप के किसी भी यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो डायनेमिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट है फिक्स नंबर ऑफ पेजेस नहीं होके बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, साथ ही आपको ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी नेट की लैंग्वेजेस जैसे हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसका यूज करता है, इसमें HTML को भी शामिल, HTML के साथ ही ये CSS भी लेता है, PHP की स्क्रिप्टिंग लेता है, JavaScript की जैसे JScript भी ले सकता है, VBScript भी ले सकता है, इस टाइप से कोई भी आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उपयोग करके इसको बना सकते हो। अब सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर किसी स्टैटिक वेबसाइट में पेज में कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है तो वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। जब पेज चेंज होके होस्ट होता है, अपलोड होता है, तभी वो चेंज होती है। लेकिन डायनेमिक में क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग पार्ट है वो किसी डेटाबेस से जुड़ा होता है और उस डेटाबेस में जब भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी आपका पेज भी अपडेट हो जाएगा डायनेमिकली, जैसे ही चेंज होगा वैसे आपका चेंज हो जाएगा। अब हम इसको फिगर से देखते हैं कि फिगर से हम इसको कैसे देखें। तो यहाँ देखिए आपका ब्राउजर है और यहाँ आपका सर्वर है। जैसे आप रिक्वेस्ट भेजते हो उसका होम पेज या जो भी इंफॉर्मेशन आपको आप रिक्वेस्ट भेजते हो आपको रिस्पॉन्स कर देता है। सर्वर केवल उस पेज की इंफॉर्मेशन या पेज को HTML के रूप में यहाँ भेजता है ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर पे यानी क्लाइंट पे, और क्लाइंट पे वो आपको डिस्प्ले होती है। लेकिन हम अगर बात करें डायनेमिक वेबसाइट की तो यहाँ पे जो सर्वर है उस सर्वर के साथ में डेटाबेसेस
भी ऐड होते हैं और ये डेटाबेस अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मैच चल रहा है किसी भी फुटबॉल का, क्रिकेट का, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, गोल हो गया या आपका विकेट आउट हो गया या रन बन गए या और भी टर्मिनोलॉजी जिसमें यूज़ लेते हैं, तो ये जैसे डेटाबेस में चेंजेज आएगा सर्वर उसी प्रोग्रामिंग से आप जैसे रिक्वेस्ट भेजते हो वो तुरंत उसको डेटाबेस से कैलकुलेशन करके, हालांकि एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, आपको रिस्पॉन्स वो देता है। तो पेज डायनेमिकली और बहुत से ऐसी टेक्निक्स और भी हैं बहुत सी जो चेंजेस की, जो वेब पेजेस में आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो चेंज होती रहती है और वो चेंज आपके वेब पेज में कैलकुलेट होके या एग्जीक्यूट होके आपको डिस्प्ले करवाता है। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक। तो ये आपका सर्वर है वो डेटाबेसेस और अदर टेक्निक से जुड़ा होता है, वेबसाइट जो डायनेमिक होती है उसके साथ, और जो स्टैटिक होती है वहाँ पे केवल पेजेस को ही इसको रिस्पॉन्ड यानी सेंड करना होता है ब्राउजर के पास और ब्राउजर उसको डिस्प्ले करवा देता है। अब हम देखेंगे कि अगर मोटा मोटा रूप से देखें कि इसके अंदर आपके पास अगर डिफरेंसेस की बात करें हम, या डिफ्रेंशिएट करना चाहें या कैटेगराइज करना चाहें या पॉइंट वाइज देखना चाहें तो क्या क्या होगा, तो स्टैटिक, वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में पेजेस जो हैं वो स्टैटिक होते हैं और ये डायनेमिक होते हैं। ये सिंपल सी आपके पास सबसे सिंपल है, ये स्टैटिक है डायनेमिक। ये मोस्टली HTML, CSS, DHTML इनका यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट इनका फॉर्म वगैरह यूज करके या टैग्स वगैरह यूज करके आपको बनाया जाता है, वेबसाइट के पेजेस को बनाया जाता है। और इसमें इन HTML इनके साथ साथ PHP का प्रोग्रामिंग या कोड यूज लेते हैं, JScript ले लो या JavaScript या VBScript, इस टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वो होती है जो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होती है ब्राउज़र पे, ब्राउज़र भी एक इंटरप्रेटर होता है एक टाइप से, जो कुछ प्रोग्रामिंग के पार्ट को इस पे, जहाँ सर्वर की जरूरत नहीं होती है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होने की जरूरत नहीं होती है, डेटाबेस से कोई डेटा लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, उसको सर्वर साइड कहते हैं। ये अगले टॉपिक पे हम देखेंगे। उसके साथ ही हम देखें कि प्री बिल्ड कंटेंट होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं प्री बिल्ड कंटेंट्स, यानी पहले से बने हुए हैं जो हर साइन सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। और ये अकॉर्डिंग टू ये आपके एग्जीक्यूशन इन इज जनरेटेड क्विकली एंड चेंज रेगुलरली, यानी एग्जीक्यूट होते हैं और चेंजेज हैं रेगुलरली होते रहते हैं, चेंजेस वेब पेजेज में चेंजेज होते हैं, वो आपको दिखाता है। और ये HTML का यूज, और ये ASP भी आप ले सकते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस का यूज भी करता है। यहाँ पे रिस्पांस टाइम है वो फास्ट है, रिस्पांस टाइम जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो तो पेज आपके पास लोड के आता है, वो फास्ट है। और ये थोड़ा स्लो है, स्लो क्यों है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन करता है डेटाबेसेस और अदर टेक्नोलॉजीज का यूज करके। दूसरा, इसके बाद में यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो अगर ओनर चेंज करेगा वेब पेज में तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेटाबेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंजेज होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है यूजर से, यहाँ पे मोर इंटरेक्शन है। यहाँ इंटरेक्शन जैसे सिंपली फॉर्म में आपने रोल नंबर डाल के कर लिया या जो सिंपल सा कुछ कैलकुलेशन कर लिया हो गया, यहाँ पे मोर इंटरेक्शन है यूजर का आप उसको। और ये फास्टर लोड में, लोड करने में ये लोड फास्ट होता है, ये स्लो होता है, क्योंकि ये पेज हैवी होता है और कैलकुलेशन भी करता है। इस टाइप से और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनको आप रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और
अदर बुक्स में आप यूज करके उसको कर सकते हो। तो हम अब इसको समराइज करें तो समराइज में आपको ये दिखेगा कि सिंपल सा अगर आप ये कहें कि क्लाइंट स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट क्या है, तो स्टैटिक में और डायनेमिक में वेबसाइट्स में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है कि ये सिंपल वेब पेजेस होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे किसी भी डेटाबेस का उपयोग नहीं होता है, यहाँ पे डेटाबेस का उपयोग किया जाता है अदर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है, ये थोड़ा स्लो देता है, ये ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता और ये इंटरेक्टिव होता है, यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्टिव, ये इफेक्टिवनेस कम होती है इसकी, इसकी इफेक्टिवनेस लो होती है, इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के साथ सर्वर है वो अदर टेक्नोलॉजीज जैसे डेटाबेसेस या और कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है टेक्नोलॉजी, उसको वो यूज करता है। इसके साथ ही इसका जो वेबसाइट के लिए आपको सर्वर जो है वो कम लेस एफर्ट्स बाई सर्वर, यहाँ सर्वर को लेस एफर्ट्स सिंपल पेज को आपको डिस्प्ले करना होता है, यहाँ पे मोर एफर्ट्स बाई सर्वर, क्योंकि वो कैलकुलेशन करता है, सर्वर ज़्यादा कैलकुलेशन करता है क्योंकि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। यहाँ पे पेज है वो साइज छोटी होती है और यहाँ पे पेजेज की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि वो कैलकुलेशन करके इंफॉर्मेशन देता है तो थोड़ी बड़ी डीप। तो यहाँ पे साइज अगर छोटी है तो पैकेट्स कम बनेंगे और यहाँ पे पैकेट्स ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पे पैकेट कम बनेंगे, तो पैकेट कम बनेंगे तो पैकेट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग जो भी काम में लेंगी कम्युनिकेशन की टेक्निक्स काम में लेंगे लिया जाएगा, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा और ये कम समय में आपके पास सर्वर पे लोड हो जाएगा। इसी प्रकार क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग को आप देखें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके कंपैरिजंस क्या क्या होते हैं। स्टैटिक साइट्स का यूज़ मोस्टली वहाँ होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंजेस नहीं होती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंजेस नहीं होती है, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन चेंजेस होती हैं वो कंपनीज या वो ओनर अपना डायनेमिक वेबसाइट्स को क्रिएट करवाता है या डिज़ाइन करवाता है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंजेस फ्रिक्वेंटली होता रहता है, तो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है तो पेज को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन चेंज हुई है स्टैटिक में तो आपको उस पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेस करेंगे आप तब ही वो आपको चेंज दिखाई देंगे। इसके साथ ही इंट्रैक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन यूजर इंट्रैक्शन नहीं है, यूजर इंट्रैक्शन नहीं है तो यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं कर सकता या अपनी इंफॉर्मेशन को सर्वर के पास भेज नहीं सकता। डायनेमिक वेबसाइट्स में यूजर इंट्रैक्शन कर सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन को उसको भेज सकता है, उसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता है, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो चेंजेज होते हैं तो कुछ यूजर्स रहते हैं जो इंफॉर्मेशन को उस सर्वर पर चेंजेस कर रहे हैं, वो उस अपने क्लाइंट के थ्रू ही उनको ऐसी परमिशन है कि वो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वो चेंज करेंगे क्लाइंट को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनमें डिसिमिलरिटीज हैं और किस में इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है और किस में इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ ही ये जो आपके सिलेबस की टेक्स्ट बुक्स दी गई हैं, रेफरेंस बुक्स दी गई हैं, उन रेफरेंस बुक से आप और अच्छा कंटेंट्स अपने अकॉर्डिंग और नेट पे भी अवेलेबल है उनमें आप कर सकते हो। और साथ ही
आप अपने टीचर से भी कंसल्ट करके जो भी प्रॉब्लम आती है उनको आप ध्यान से शॉर्ट आउट कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटा स्टैटिक और ये देख लिया, ये कंपैरिजन हो गया है। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि ब्राउज़र और सर्वर के बीच में जो आप स्टैटिक वेबसाइट है उसमें केवल ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है तो होम पेज को वो भेजता है, फिर नेक्स्ट पेज को भेजता है, प्रीवियस पेज को डाउन होता रहता है, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, सर्वर पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ता। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में सर्वर है वो कुछ पेजेस की इंफॉर्मेशन जिसमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चेंजेस चाहती है या डेटाबेस से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहती है, वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करके फिर वो रिस्पॉन्स देता है रिक्वेस्ट का क्लाइंट को। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। ये टॉपिक इतने ही एग्जीक्यूशन इतने ही समय का है, जितना समय में टॉपिक किया जा सकता है कंप्लीट हो किया है। अब आप खुद स्टूडेंट्स पढ़ के और आप अपने संबंधित टीचर से कंसल्ट करें, और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो आप और पढ़कर ऐड कर दें। धन्यवाद।